अगर आप गर्मियों में आ जाओगे ना कंट्री साइड में डेनमार्क में, आपको फर्क नहीं पता चलेगा आप पंजाब हरियाणा के किसी गांव में हो या फिर डेनमार्क में हो। ये गांव का स्कूल है और सिर्फ 6 क्लास तक है। आगे की पढ़ाई के लिए आपको स्टूअर्ट जाना पड़ेगा। फिर अभिनेश आता है, दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास, बोलता है पूजा आई हैव अ क्रिसमस सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है ना डेनमार्क की जमीन बहुत उपजाऊ है, गांव के काफी सारे लोग खेतों में काम करते हैं, कुछ लोग आसपास के कस्बों में जाके जॉब्स करते हैं और थोड़े ऐसे हैं जो मिल्क फार्मिंग करते हैं। आज हम आए याम जो कि डेनमार्क का एक छोटा सा गांव है। जैसे आपको पता होगा कि डेनमार्क छोटे छोटे टापुओं से बना है, तो उनमें से जो सबसे बड़ा टापू है उसके मिडवेस्ट में है। इसके आसपास के जो थोड़े से बड़े टाउन्स हैं वो है हॉल्स्टिब्रो जहाँ मैं पहले रहती थी, और ये जो गांव है वो पड़ता है स्टुअर कमून में जो कि खुद भी एक थोड़ा सा बड़ा गाँव है ऐसे लगा लो, और ज़्यादातर वहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं। इस गांव में 1200 लोग रहते हैं, लगभग 800 घर हैं यहाँ पे, और जो एरिया है ना वो चंडीगढ़ से भी बड़ा है, 250 स्क्वायर किलोमीटर, पर ज़्यादातर एरिया में खेती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे यहाँ के घर होते हैं, और ये कितने अलग है, यहाँ की लाइफ कितनी अलग है इंडिया से। याम एक बहुत छोटा गांव भी नहीं है। डेनमार्क में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गांव होते हैं जिनका कलेक्टिवली एक ट्रेन स्टेशन होता है, तो जैसे याम के आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं वहां के लोग यहां आके ट्रेन्स लेते हैं, और आप आसपास के शहर जा सकते हो लगभग हर आधे घंटे में, और वीकेंड्स पे और शाम को ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, आपको हर एक घंटे में ट्रेन मिलेगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप आसपास के गांव और शहर जा सकते हो, आप कोपेनहेगन भी जा सकते हो यहाँ पे से डायरेक्टली, और आपको लगेंगे लगभग 4 घंटे। पिछले साल जब हम आए थे हम ट्रेन से ही गए थे और लगभग इतना ही टाइम लगा था हमें। दीपू का दाद के तो गांव, तहसील ऐसे कुछ एरिया है तो वहां तो ट्रेन जाती है, पर मेरा गांव प्रॉपर पहाड़ों में है, वहां कोई ट्रेन नहीं है, ना तहसील तक ना जिले तक। मेरे ख्याल से ऋषिकेश के आगे तो नहीं जाती ट्रेन। आपके गाँव का क्या स्टेटस है, वहाँ है क्या ट्रेन? ये गाँव का स्कूल है और सिर्फ 6 क्लास तक है। आगे की पढ़ाई के लिए आपको स्टूअर जाना पड़ेगा। डेनमार्क में ज़्यादातर बच्चे पब्लिक स्कूल में ही पढ़ते हैं, वैसे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको फ़ीस देनी पड़ती है और पब्लिक एजुकेशन पूरी फ्री है। जैसे मेरे गांव में भी सिर्फ 5th क्लास तक स्कूल है, और अगर आपको आगे पढ़ना है तो उसके लिए आपको पार्क के स्कूल जाना पड़ता था। मैं गाँव में पढ़ी हूँ, मतलब कच्चा पक्का एक होता है ना वो, वहाँ तक पढ़ी हूँ, और मेरी मम्मी ने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है शुरू से, है ना, और वो स्कूल इतना दूर होता था ना, क्योंकि जब आप 4-5 साल के होते हो है ना आपको लगता ही है बहुत दूर होगा, वो 800 मीटर दूर होगा, और हम छोटे छोटे 3-4 दोस्त मिलके स्कूल जाते थे, और इतना दूर लगता था ना, बीच में रुक जाते थे, फिर चलते थे, फिर रुक जाते थे। और एक दिन तो क्या हुआ, हम 3 जन थे, 2 लड़के और एक मैं, तो मेरा एक दोस्त बोलता कि तू एक काम कर, मैं थोड़ी देर ना सो जाता हूँ, मैं थक गया हूँ स्कूल से वापस आते हुए, और ना तू देखना कि कोई सांप ना आ जाए। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, और मेरे दूसरे दोस्त ने बोला कि हाँ ठीक है। फिर हम अब सोचते हैं कि यार अगर सांप आ भी जाता तो इतने इतने बच्चे करते क्या, छोटे छोटे पत्थर से थोड़ी उसको मार के भगा देते हैं। स्टेशन भले ही हो इस गांव में, भले ही चंडीगढ़ से 2 गुना बड़ा हो, पर पिज़्ज़ेरिया एक ही है, ये वाला। कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई कैफ़े नहीं है, कुछ नहीं है जहां आप चाय पानी पी सको। अपने इंडिया वाले गांव में साला कोई हलवाई तो होता है जो रसगुल्ले बना के दे देता है, समोसे तल के दे देता है, जलेबी दे देता है। यहाँ पर बस यही टाइम हो गया है, खाना पड़ेगा कुछ तो, पिज़्ज़ा ही लेना पड़ेगा, बस वही है ऑप्शन। हाँ, पर कोल्ड ड्रिंक हम हमेशा सुपरमार्केट से लेते हैं, क्योंकि वो पूरा पैक आ जाता है, जितने वहाँ पे एक आती है 20-25 की, पूरा पैक आ जाता है यहाँ पे, तो ले लेते हैं, आ जाओ। तो हमने अपनी कार्ल्सबर्ग की कोल्ड ड्रिंक ले ली है। वैसे इस वाली ग्रोसरी स्टोर में आपको फ्रूट, सब्जियाँ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको इंडियन मसाले या फिर कुछ दालें वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको पास के बड़े टाउन में जाना पड़ेगा जहाँ पे कोई एशियन स्टोर होगा। वैसे यहाँ के पिज्ज़ा की एक अजीब बात है, ये लोग अनानास भी डालते हैं, तो जब आप ऑर्डर कर रहे हो ना, एक तो आप यहाँ पर पढ़ लो, अनानास को अनानास ही बोलते हैं, और आप उनको बोल दो कि हमें ये नहीं चाहिए। हाय या हैंड लेबर फिल्म डू हैव वेगेटार पिज्ज़ा? ओके, इन वेगेटार पिज्ज़ा उलन अनानास और उलन ऑलिव।
डिया फियरशूफ। अच्छा पिज्जा के साथ साथ और भी चीजें हैं यहाँ पे, मैंने बर्गर भी देखा, चेक करूँ वेजिटेरियन है कि नहीं। नहीं है, शहर में इतने वेजिटेरियन नहीं है, गांव में कहाँ होंगे। वैसे भी इनके लिए नया कॉन्सेप्ट है ना वीगन्स वाला। कोपेनहेगन में ज़्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करते हैं क्योंकि वहाँ पे बसेस और ट्रेन्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। गांव में ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है, इसलिए ज़्यादातर लोगों के पास यहाँ पे गाड़ी होती है। जब मैं यहाँ पे टाउन में रह रही थी ना तो मैंने भी गाड़ी ले ली थी क्योंकि ऑफिस जाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। बेशक 4-5 किलोमीटर था लेकिन फिर भी साइकिल से मैं जाती थी सर्दियों में, तो कभी स्नो पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है और ये हवा का हाल देखो बहुत अनकंट्रोलेबल है। और जब मैं बस से भी जाती थी ना तो वो बस मुझे 1 किलोमीटर दूर छोड़ती थी, फिर वहाँ से मुझे पैदल जाना पड़ता था। अगर आपको मेरी आवाज़ में चेंज लग रहा है तो वो इसलिए क्योंकि कल वांग ने अनु के लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी क्योंकि वो यूएसए जा रही है हमेशा के लिए। तो ये वाला जो हमारा फ्रेंड सर्कल है ना इसमें मेजॉरिटी है इंडियंस की, तो कल हमने पंजाबी गाने बजाए, बहुत चीखे, बहुत डांस किया और गला मेरा बैठ गया है। वैसे गांव वाले घर बहुत बड़े होते हैं, वांग का घर भी 2 लिविंग रूम है इसमें बड़े बड़े, एक बड़ी किचन है, उधर गैरेज एरिया है, 3 बेडरूम्स हैं। और यहाँ गांव में ऐसे वाले घर होते हैं जैसे हम ड्राइंग बनाते थे ना ऐसे ट्रायंगल शेप में, वैसे से। और जो बाहर वाली इनकी दीवारें होती हैं वो पक्की सीमेंट की बनी होती है और अंदर की जो पार्टीशन होती है वो ज़्यादातर वुड की बनी होती है। इवन जो ये छत है ना ये भी वुड की बनी है। यहाँ पे इस घर में जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो है ये पॉर्च एरिया और ये हमारा पार्टी हब भी है। हॉटपॉट डिनर हो, किसी का बर्थडे हो, किसी का कोई न्यू ईयर हो, हम यहीं पर आके सेलिब्रेट करते थे। अब तो चलो हम काफ़ी दूर रहते हैं तो नहीं हो पाता। इस एरिया का ये फ़ायदा है, बाहर बारिश हो रही हो, शीतल हवाएं चल रही हो, चाहे स्नोफॉल हो, आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। आप बाहर हो लेकिन बाहर भी नहीं हो। और वांग के पास एक बहुत बड़ा गार्डन है जिसमें इसने सेब के का पेड़ लगा रखा है, प्लम का पेड़ लगा रखा है और भी मेरे ख्याल से थोड़े छोटे मोटे फ्लावर्स के पेड़ हैं। और इसी साल वांग ने यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है और यहाँ पे चिड़िया आती है और वो उसको ये वाले दाने देता है। There are some concerns. The first, I think, is very cozy to live in a small village. You still feel the connection to the social network, and you and your neighbors don't bother each other. For example, when you hold a party, your neighbor will not call the police. And another thing is that I think it's safe for kids because there's much less traffic. So when kids want to go to school, you feel safe. You don't need to worry about if something happened. That's typical Asian father, yeah. Asian parents. Yeah. हम ही सबसे दूर रहते हैं ना, तो हम लोग पहले आ गए, हमने गाड़ी यहाँ पे लगा दी। फिर अभिनेश आता है, दौड़ा दौड़ा आया मेरे पास, बोलता है पूजा आई हैव अ क्रिसमस सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू। मैंने कहा अच्छा, फिर ना उसके टोन से ही मुझे लग रहा था कि कुछ तो फनी है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या है, बोलता आई विल नॉट टेल यू, जस्ट कम विद मी। और ऐसे उसने मेरी आँखें बंद कर ली। फिर हम लोग यहाँ पे आए, मुझे दिखाता है टाड़ा। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा मैंने तो गाड़ी भी नहीं चलाई। फिर बोलता किसी ने ठोक दिया है, उसे पहले लगा कि मेरा चलान हो गया है। ऐसी एक पर्ची उसने किसी ने रखी थी ना यहाँ पे, पर इस पे लिखा हुआ है कि दे आर सॉरी, ऐसा ऐसा कुछ हो गया है हमसे। तो वो लोग हमारे घर भी आए, वांग के घर, फिर उन्होंने सॉरी बोला और बोला कि वी विल टेक केयर ऑफ इट। अभिनेश, नाउ व्हाट हैपेंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू हैव एन इंश्योरेंस? यस आई हैव। या actually you need an insurance in Denmark to, when you own a car, so yeah. That's like yeah, otherwise I can't drive. You cannot drive. They will like seize your number plate.
Okay, yeah. They can see it from there. Yeah. Yeah. They will seize your number plate. Like, okay, they will seize it. Yeah, they okay. will seize it. Yeah. Yeah. So it's not valid anymore. No, it won't be valid after that. Then you need to get a new okay. number okay. plate and stuff. Mm-hmm. If you don't have an insurance. Okay. Yeah. But I do. You have to claim it at your insurance. Okay. And the insurance will ask you a few questions such as where did it happen? Mm. How did it happen? Yeah. Whose fault was it? Yeah. Do you have any opposite like driver? Uh-huh. Or was it you who drove the car and hit yeah. someone else? Yeah. And once you fill in the details that it was parked and mm-hmm. someone else hit it, yeah. then it asks you, like, do you know the opposite? Then you say yes, and then you fill in the details for the opposite person. Yeah. And once you've filled in all the details, then like the other person will be contacted. Okay. Yeah, but do I have to pay it in advance and then I will get it back or? No. Okay. The other part will pay for it. Okay. Because you are okay. not responsible for the dent yeah. your car got. By the way, why was it so funny for you? Because it wouldn't have been funny if yeah. there wasn't another opposite, like known opposite. Yeah, yeah. Because there was another opposite known yeah. and that person actually reached out to us. Yeah. Then I was like, okay, let's yeah, just make fun out of it because. Yeah. And also because it was parked. Yeah, exactly. Yeah. So it wasn't your fault then. Yeah, yeah. yeah. So. And also it was nice that they came and then like yeah. met us and talked about it. And that's yeah. kind of a very Danish thing, but mm. some people does not do that. So. Yeah. And it could have been someone like who was unknown and you just had to like pay it yourself. That would have been very bad. Yeah. If I did not know the information, then I would have to pay it. Yeah, then you would have had to pay it. Unless you unless have this free skill. ये गांव की चर्च है और डेनमार्क में ऐसा है कि सर्विस कोई भी अटेंड कर सकता है मतलब चर्च के अंदर कोई भी जा सकता है लेकिन अगर आपको शादी रखनी है या फिर फ्यूनरल रखना है तो उसके लिए आपको चर्च का मेंबर होना पड़ता है और आपको एक चर्च टैक्स पे करना पड़ता है जो कि वॉलंटरी है और हम लोग तो नहीं पे करते हैं. अच्छा, चर्च के इस तरफ गाँव है और इस तरफ सारे के सारे खेत ही खेत हैं. मुझे ऐसा लगता है ना, डेनमार्क की ज़मीन बहुत उपजाऊ है. अभी तो जैसे ठंड है तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन स्प्रिंग आते ही आप देखोगे हफ्ते दो हफ्ते में पौधे इतने इतने बड़े हो जाते हैं, सब जगह फूल ही फूल खिल जाते हैं, पूरी हरियाली हो जाती है. अगर आप गर्मियों में आ जाओगे ना कंट्री साइड में डेनमार्क में, आपको फ़र्क नहीं पता चलेगा आप पंजाब हरियाणा के किसी गाँव में हो या फिर डेनमार्क में हो, क्योंकि यहाँ पर भी ये लोग बहुत खेती करते हैं. जैसे ये वाला पूरा खेत गेहूँ के पौधों से भरा होता है और यहाँ पर ये लोग मक्की उगाते हैं, सरसों के भी बहुत सारे पेड़ होते हैं और आलू का भी बहुत बड़ा व्यापार है इनका, उगाते भी हैं और उससे फ्लावर बनाते हैं और चिप्स वगैरह तो बनाते ही हैं. गांव के काफ़ी सारे लोग खेतों में काम करते हैं, कुछ लोग आसपास के कस्बों में जाके जॉब्स करते हैं और थोड़े ऐसे हैं जो मिल्क फार्मिंग करते हैं. वैसे डेनमार्क के बारे में आपने सुना होगा कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट. जैसे मैंने अपने फादर इन लॉ को भी बताया था कि मैं डेनमार्क रहती हूँ, जब शुरू में बातचीत होने लगी थी तो वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने डेनमार्क के बारे में सुना है. जब वो छोटे थे उन्होंने स्कूल में ये सब पढ़ा था कि हाँ, डेनमार्क है कोई छोटा सा देश जहाँ पर बहुत सारी गायें हैं. आरला दुनिया की टॉप 10 डेयरी प्रोडक्शन कंपनीज में से एक है, जिसे डेनमार्क और स्वीडन के 19,000 फार्मर्स ओन करते हैं. जैसे आपको पता ही होगा, यूरोप का जो फूड और डेयरी प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड है वो हाई है, इवन डेनमार्क का उनसे भी ज़्यादा हाई है. मैं आपको बताती हूँ कैसे. वैसे डेनमार्क ओकोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बहुत सपोर्ट करता है, तो उसके लिए साल में एक दिन होता है जहाँ पर आप फार्म्स विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि वो कैसे फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पर. वांग भी एक बारी गया था किसी फार्म में और वो बोलता कि मिल्क प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस फुली ऑटोमेटिक है. जैसे एक मशीन है जो गाय के थन पे लग जाती है, वो दूध निकालती है, अगली मशीन ऐसी है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करती है, और अगर एक भी एलिमेंट ऐसा निकलता है जो लेवल से हाई है तो वो क्या करते हैं, पूरे प्रोडक्शन को, पूरे टैंक को डिस्कार्ड कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि ये वाला टैंक सही है और ये वाला टैंक ख़राब है, उसको मिक्स कर लिया और न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश करी, नहीं, वो पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर देते हैं. डेनमार्क में बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जिनको मिल्क पाउडर बनाने की अथॉरिटी होती है,
तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपनी होम कंट्री भेजते हैं यहाँ का मिल्क पाउडर. जैसे वांग का बेटा जब छोटा था वो मिल्क पाउडर के डब्बे खरीद खरीद के चाइना भेजता था, और अभी भी वो भेज रहा है अपने नेफ्यू के लिए. दीपू, क्या इसका मतलब ये है कि वी ड्रिंक वर्ल्ड्स बेस्ट मिल्क?